साइरस का फोन आया? नहीं, अब तक नहीं आया। पता नहीं कितनी देर क्यों हो गई। अगर फोन नहीं तो आएगा, 100% फोन आएगा। 20 लाख रुपए बहुत ही बड़ी रकम होती है ऐसे लोगों के लिए। सब कुछ हो जाएगा, बस हमारे हाथ में वो फोटोग्राफ्स और निगेटिव चाहिए। एक बार हमारे हाथ में वो प्रूफ आ गया, उसके बाद वो लोग हमारा कुछ नहीं दिखा सकते। और ये पैसे, पैसे की फिक्र नहीं, पैसों का इंतजाम कुछ नहीं, बस ये काम जल्द से जल्द होना चाहिए, वरना मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं जाता। दीदी, आप अपने ऑस्ट्रेलिया का प्लान कैंसिल मत करिए। विशाल, मेरा ऑस्ट्रेलिया जाना बहुत ज़रूरी है और मैं जाना भी चाहती हूँ, लेकिन इस वक्त ज्योति को मेरी ज्यादा जरूरत है। तभी तो मैं चाहती हूँ साथ ज्यादा, बहुत ज्यादा। मैंने सोचा घर में इतनी फेमस मॉडल है तो क्यों ना इस बात का फायदा उठाया जाए। तुम मेरी रोल मॉडल हो, मैं तुमसे इतनी इंस्पायर्ड हूँ। पर चाची, किस बात के लिए? तुमने इतने कम समय में इतनी तरक्की जो कर ली। मैंने सोचा कपूर फैमिली की औरतों को कुछ तरक्की करनी चाहिए। हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग बिजनेस प्लान है, तुम्हें सिर्फ सपोर्ट करना होगा। इनफैक्ट तुम तो हमारी पार्टनर हो। दीदी, मुझे ये पार्टनरशिप वगैरह से बहुत डर लगता है। इसमें डरने की कोई बात ही नहीं है ज्योति, बहुत ही अच्छा बिजनेस है, लॉस का तो कोई चांस ही नहीं है। हर्बल सिंथेटिक प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तुम तो जानती हो कि मुझे कॉस्मेटिक सेलिंग की बहुत नॉलेज है। तुम फाइनेंस में अच्छी हो, ज्योति फेमस मॉडल और अरुंधति भाभी, उन्हें पीआरओशिप की बहुत नॉलेज है। अगर हम चारों मिल जाएं, तो बिजनेस में प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। लेकिन चाची, क्या ज्योति आप लोगों के साथ है? अरे ज्योति, जब तुम हाँ कर दोगी तो फिर कुसुम कैसे मना कर सकती है? आपकी बात ठीक है, बट दीदी, मुझे एक बार कुसुम भैया से इस बारे में बात करनी होगी। अगर आप कहती हैं तो मैं ज्योति के साथ बात जरूर करूँगी, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया से रिटर्न होने के बाद। नो प्रॉब्लम कुसुम, टेक योर ओन टाइम, मैं चलती हूँ। हाँ, आजकल तुम बिना कुसुम से पूछे कुछ करती नहीं हो ना, मुझे पता है तुम्हारी बड़ी बहन, लेकिन मैं भी तुम्हारी बहन हूँ। मैं तुम्हारे बारे में बुरा तो नहीं सोचूंगी जो दीदी, लगता है आप बुरा मान गई। एक बार कुसुम दीदी ऑस्ट्रेलिया से लौट कर आ जाए तो मैं उनसे इस बारे में जरूर बात करूंगी, प्रॉमिस। तब तक हमें इंतजार करना। लेकिन ज्योति, तुम इस प्रोजेक्ट के बारे में सोचना, बहुत ही प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट है। मुझे पता है तुम मना नहीं करोगे, स्पेशली जब मैं ये प्रोजेक्ट लेकर तुम्हारे पास आऊं। वो तुम्हारे म्यूजिक वीडियो का क्या हुआ ज्योति? जब रिलीज हो जाए तो मुझे बताना। अरे बुद्धू, यहाँ अटका रहेगा या आगे भी कुछ बोलेगा? Stop it, तानिया। मुझे नहीं अच्छा लगता तू मजनू से ऐसे बात करती है, उससे प्यार से बात कर। प्यार की बातें सिखा रही, कह रही थी कहो सांगू आई लव यू। तानिया, तू सांगू से सीरियसली प्यार करती है, तुझे अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना होगा। उस दिन जूही पाइथन को देखकर जैसे तू बेहोश हो गई थी ना, वैसे बेहोश होना बंद करना पड़ेगा। वो तो पहली बार देखा था ना, इसीलिए। देखता है, सांगू जो है ना, वो एक एनिमल लवर, और वो जूही पाइथन से बहुत
बहुत प्यार करता है। अगर तू चाहती है कि सांगू तुझसे प्यार करे तो तुझे जूही पाइथन को अपने सौतन के रूप में एक्सेप्ट करना ही होगा। What? तानिया, ये जो हार्डकोर एनिमल लवर्स होते हैं ना, इनके साथ प्यार करने का यही एक डिसएडवांटेज होता है। लेकिन अगर तू चाहती है कि सांगू भी तुझसे प्यार करे, तेरे प्यार को एक्सेप्ट करे, तो मेरे पास एक आइडिया है। क्या? वो ये कि तुझे मजनू से प्यार करना होगा। ये देखकर सांगू जलने लगेगा और वो जूही पाइथन से प्यार करना बंद कर देगा। तब तू अपना शर्त उसके सामने रख देना और फिर वो जूही पाइथन को मुझे दे देगा। कैसा लगा मेरा आइडिया? प्लीज, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? एनिमल और इंसान के बीच फर्क नहीं देख सकते क्या? देख सकती हूँ ना, इंसान जो होते हैं ना बहुत इमोशनल होते हैं, एंड इमोशनल होना इज नॉट वेरी सेफ। रूही, लंदन की टिकट आ गई है, तुम्हारी टिकट भी आ गई होगी। ओह, पैकिंग हो गई तुम्हारी? नहीं, अब तक पूरी नहीं हुई। आई रियली हेट पैकिंग यार, मुझसे पैकिंग कभी नहीं होती। और वैसे मैं अकेले रहती हूँ, पैकिंग भी करूँ, ऑफिस का काम भी करूँ, ये वो घर के काम भी करूँ, माय गॉड, मुझे बिजली का बिल पे करना है, मुझे दूध वाले को मना करना है, पेपर वाले को मना करना है, पानी कुछ, गॉड आई एम फॉरगेटिंग समथिंग यार, दिस इज टू मच। हम जाएंगे भी अभी। क्यों, तुम्हारा ट्रिप कैंसिल हो गया? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वो दो तीन दिन के बाद जाएंगे। ओ, क्या हुआ? वो कुछ जरूरी काम निकल आया है इसलिए। इतना पर्सनल काम था कि तुम मुझे नहीं बता सकते? अरे नहीं नहीं ईशा, ऐसी कोई बात नहीं, वो काम कुछ इम्पोर्टेंट है ना, इसलिए खत्म हो जाने दो, तुम्हें बता दूंगी। I promise. Okay. ईशा, ये साड़ी तो उस दिन, ये वही साड़ी है जो तुम्हें शॉप में पसंद आई थी, अगले दिन जाके मैं ले आई। Come on ईशा, तुम्हें साड़ी इतनी पसंद आई तो तुम्हें उस दिन क्यों नहीं खरीदी? क्योंकि अगर मैं उस दिन खरीदती तो अभय मुझे इसके पैसे नहीं देने थे और मैं अभय से कोई गिफ्ट नहीं लेना चाहती। तुम भी नहीं ईशा, बहुत फॉर्मेलिटीज करती हो, यू आर टू मच। मैं तुम्हारे साथ थोड़ी ना कोई फॉर्मेलिटी करती हूँ, अगर तुम मुझे कोई गिफ्ट दोगी तो मैं लूंगी ना। हाँ, वो अलग बात है कि तुम मुझे कभी कोई गिफ्ट देती नहीं हो। एनीवे, आई डोंट वांट टू टेक एनी प्रेजेंट्स फ्रॉम अभय। वैसे अच्छी साड़ी है, तुम्हें पसंद है, तुम इसे ऑस्ट्रेलिया ले जाओ, वहाँ पहन लेना। नहीं बाबा, अभय नहीं चाहते कि मैं ऑस्ट्रेलिया में साड़ियाँ पहनूँ, इसलिए उस दिन तो मुझे शॉपिंग भी ले गए थे वेस्टर्न आउटफिट्स के लिए। रियली? ईशा, सच कहूँ तो ऑकवर्ड फील कर रही हूँ, पहले कभी मैंने वेस्टर्न आउटफिट्स नहीं पहने ना, पता नहीं कैसी लगूंगी मैं। बहुत अच्छी लगूंगी। एक ये लो, एक काम करो, दिस विल गो, या तुम ये पहनो। अभी अभी पहन के देखो, इसे फटाफट चेंज कर लो, मैं डिनर फिक्स करती हूँ। कम ऑन, कम ऑन, चलो। ऐसे कपड़े तुमने पहले क्यों नहीं पहने? दिखाओ। वेरी नाइस। बिंदी ऐसे कपड़ों के साथ नहीं पहनते। नाउ इट्स परफेक्ट। थैंक्स। ईशा, शायद कुछ जल रहा है। ओह माय गॉड, मेरी सब्जी, मेरी सब्जी जल रही है। ये प्लीज धनिया काटो, सब्जी में डालना है। पकड़ो पकड़ो, मैं आती हूँ। ओह नो, समय है क्या? उसकी गाड़ी नीचे। ईशा, मुझे समझ में नहीं आता कि कुसुम को कभी कभी क्या हो जाता है। कल रात से कहना शुरू कर दिया है कि ऑस्ट्रेलिया की ट्रिप को पोस्टपोन करो, सिर्फ दो दिन। हाउ, सब तैयारियां हो चुकी हैं। ईशा, आई डोंट अंडरस्टैंड कुसुम, उसके मन में क्या है सिर्फ भगवान जानता है। आखिरी मोमेंट तक
सबको टेंट बुक कर दीजिए। आई डोंट नो आप ऑस्ट्रेलिया जा पाएंगे भी नहीं। ईशा तुम्हें फिर तुम्हें कुसुम को समझा प्लीज। तुम खा गए ना धोखा? कुसुम तुम यहाँ क्या करी? रिहर्सल कर रहे थे तुम्हारे लिए। तुम चाहते थे ना कि कुसुम वेस्टर्न आउटफिट्स पहने, इसीलिए कुसुम को मैंने अपने कपड़े दे दिए पहनने के लिए, ताकि ये कंफर्टेबल हो जाए और जब पहली बार तुम्हारे साथ ये कपड़े पहने तो ऑकवर्ड फील ना करे, राइट? कैसी लग रही है कुसुम? बिल्कुल तुम्हारी तरह, इसलिए तो कुसुम को तुम समझ कर बातें करते। यही तो प्रॉब्लम है, तुम गर्ल्स एक दूसरे के कपड़े पहन लेती, एक दूसरे के आउटफिट पहन लेती और हर शाम जाते हैं। अभय आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो यहाँ से गुजर रहा था, वहीं गाड़ी देखी, सोचा मैं पिक करता जाऊँ और ईशा को बात बता। मैंने सोचा कि आप यहाँ मेरी शिकायत करने आए। नहीं कुसुम, वो कम ऑन कुसुम, बी अ स्पोर्ट। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे अभय की शिकायत करने के लिए तुम मेरे पास कभी नहीं आते। तुम दोनों को एक दूसरे से प्रॉब्लम होती है और शिकायत करने मेरे पास आते। एग्नी आंट बना दिया है मुझे, लेकिन अगर मुझे तुम दोनों से प्रॉब्लम हो तो मैं कहाँ जाऊँ, बोलो। एनीवे जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। आज रात का डिनर तुम मेरे साथ करो, क्योंकि मैंने सब्जी बनाई जो जल चुकी है, इसलिए खाना बाहर से ऑर्डर करना पड़ेगा। थाई फूड चलेगा? ओके, मैं फोन करके आती हूँ। ज्योति से रिलेटेड सारा मैटर, सारे फोटोज मैंने इन फ्लॉपीज में ट्रांसफर कर दिए। लेकिन आपको सच में लगता है वो लोग 20 लाख रुपए देंगे हमें इसके लिए? इनफैक्ट मुझे लगता है ये डील काफी उनके लिए सस्ती है। मुझे 20 लाख बिल्कुल देंगे। जो बड़े सोसाइटी के लोग होते ना, इनको सबसे ज्यादा मोहब्बत, सबसे ज्यादा प्यार अपनी फैमिली, अपने दोस्त, अपने बीवियों से नहीं होता, बल्कि अपनी इज्जत, अपने ऑनर, अपनी नाक से। अपनी नाक को बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, दे कैन गो टू एनी एक्सट्रीम्स, पर उनकी इज्जत, उनकी नाक, उनकी ऑनर इन फ्लॉपीज में कह दें। लेकिन 20 लाख रुपए, जानते हैं कितने जीरोज लगते हैं 20 लाख में? यू डोंट वरी एट ऑल डेविड, मैंने सब स्टडी किया है, मैंने सब पता लगाया। कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की मार्केट में करोड़ों की स्टैंडिंग है, करोड़ों की। यू आर टॉकिंग अबाउट 20 लाख, 20 लाख इज जस्ट पीनट्स फॉर देम, मूंगफली, चिल्लर, चेंज। बैठे बिठाए हमें जितने पैसे मिल रहे हैं दबोच लो, ये मौका बाद में कब आए पता नहीं। और वैसे भी इन बड़े लोगों के साथ लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए, इनके भी हाथ काफी दूर तक फैले होते हैं, पता चले हमारा भी कब पता कर दें, कुछ नहीं मालूम। इनके चक्कर में हमारा बिजनेस एक्सपोज हो जाएगा तो हम खाएंगे क्या? तो फिर ठीक है सर, फौरन SMS कीजिए, मेरे ख्याल से कल का अपॉइंटमेंट ठीक रहेगा। ओके डेविड। ज्योतिया मैसेज सेंड। बात के बारे में मैक और कुसुम को बताते हैं। तो चलें अभी दीदी के पास। अभी चलना? हाँ चलो ना। चलो प्लीज। कुसुम दीदी। क्या हुआ? साइरस का मैसेज आ गया है, उसने हमें कल बुलाया। इसका मतलब उसने हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर दिया है। अब सारी जिम्मेदारी तुम्हारे और मैक के सिर पर, तुम दोनों को हर कदम सोच समझ के रखना होगा।
क्योंकि अब तुम दोनों ज्योति को इस मुसीबत के बाहर निकाल सकते हो। और याद रहे कि ये मौका हमारे हाथ से नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि अगर ये मौका हमारे हाथ से निकल गया तो हो सकता है हमें दोबारा एक और मौका ना मिले। नहीं, और एक मौके की जरूरत तो होगी। आप एक काम करो, आप जल्दी से ये दूध का ग्लास खत्म कर दो, फिर मम्मी आपके साथ खेलेगी। नहीं, पहले आप मेरे साथ खेलो जब मैं दूध पीऊंगा। अच्छा, आज तो आप मुझसे हारना चाहते हो ना? मैं तो हारना ही दिखता हूँ। पर बेटा, अगर आप दूध नहीं पियोगे तो आपके पास जीतने की शक्ति कहाँ से आएगी? क्योंकि दूध से ही तो आपको शक्ति मिलती है। अगर आपके पास शक्ति नहीं होगी तो आप कमजोर हो जाओगे, और कमजोर हो जाओगे तो आप हार जाओगे, है ना? तो आपको दूध पीना है ना? है ना, पीना है मेरा छोटा सा बेबी। हाय हाय भाभी, आइए ना। आप क्या करूँ भाभी, जूनियर चली गई ना, इसलिए सब मुझे ही करना पड़ रहा है। बच्चों, आप एक काम करो, आप पापा के साथ खेलो, मम्मी को आंटी से बात करनी है, फिर आपके साथ खेलेंगे। ओके, गुड बेबी। भाभी, आपने ज्योति से बात की? हाँ, लेकिन वो नहीं मानी। तुमने कुसुम के साथ बात की? वो भी नहीं मानी। दोनों बहनें मिल गई, हम लोग उनसे बड़े, हम लोग उनके साथ मिलके काम क्यों करें, वो भी उनके अंडा। जमाना ही ऐसा है, बड़ा वो होता है जो सक्सेसफुल होता है। अभी छोटे से सोहन को देख लीजिए, हर काम कंडीशन पर करता है। तुम्हारा सोहन तो कुछ एक्स्ट्रा स्मार्ट ही है निकिता। आई थिंक मुझे उसकी माँ से एक बार मिलना पड़ेगा। मिल के देखो तो सही, उसकी माँ कैसी है। वैसे आपकी बात पर गौर किया जा सकता है। कौन सी बात? वही, हमें छोटों की बैटरिंग करने से क्या मिलेगा। हम नितिन भाई साहब से ही बात करते हैं। अगर नितिन भाई साहब मान गए, हमें कोई कुछ नहीं कह सकता। और वैसे भी बड़ों की बात मानने में ही हमारी बड़ाई होगी, है ना भाभी? आप पैकिंग कर रहे हैं या बैग को अनपैक कर रहे हैं? रहने दो, पैकिंग ना तो तुम कर सकते हो ना तो तुम्हारे पापा, ये सब तुम्हारा काम नहीं है। कुसुम सारा पैकिंग कर देंगे। माँ, पहले इससे पूछो कि इसने अपनी पैकिंग की है भी कितनी। पता भी नहीं कि ये ऑस्ट्रेलिया आ भी रही है कितनी। पूछो इसे, पैकिंग की है? अरे, अभी से पैकिंग क्यों कर लूं मैं? मुझे पैकिंग करने में सिर्फ आधा घंटा लगता है। और वो आधा घंटा फ्लाइट के टेक ऑफ से 4 घंटे पहले ही आएगा भी कि नहीं पता। अभय, तुम अकेले ऑस्ट्रेलिया नहीं जा रहे हो? अकेला? माँ, पूरी फ्लाइट बुक है, मेरे साथ 325 पैसेंजर हैं, मी एंड द क्रू एक्सक्लूडेड। अकेला कहूँ? मेरा कहने का मतलब है, अगर तुम ऑस्ट्रेलिया जाओगे तो कुसुम के साथ, वरना हम सब यहाँ साथ में दिवाली सेलिब्रेट करेंगे। पर मैंने कब कहा कि मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं जा रही हूँ? आप इस तरह मत देखिए, 2 दिन से परेशान कर रखा है कि ऑस्ट्रेलिया की ट्रिप पोस्टपोन करो, मैं नहीं आ रही हूँ, आ रही हूँ, नहीं आ रही हूँ, मुझे पागल कर दिया है। कुसुम, क्यों मेरे बेटे को परेशान कर रही है? उसे कह देना कि तू उसके साथ ऑस्ट्रेलिया जा रही है। अरे मामी जी, मैं खुद ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती हूँ, मैंने साफ इनकार कहा किया है। मैंने उससे एक छोटी सी रिक्वेस्ट की है कि अगर हो सके तो ये ऑस्ट्रेलिया का ट्रिप 1-2 दिन के लिए पोस्टपोन कर दे, बस। कुसुम तुम्हारे साथ ऑस्ट्रेलिया जाएगी, जरूर जाएगी। हाँ, मुझे तब यकीन होगा जो मेरे साथ फ्लाइट में बैठेगी।